अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अजरा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल अजराज ब्यूटी पार्लर। आज मैं आपके साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि सिल्की कलर के हवाले से है, यानी कि आपको सिल्की कलर में कितना डेवलपर यूज़ करना है, तो आपके साथ ये पूरी डिटेल मैं शेयर करूँगी। आप जब भी कोई सा केमिकल प्रोसेस करते हैं, यानी कि हेयर डाई करते हैं, हेयर स्टिकिंग करते हैं, कोई सा भी अगर केमिकल प्रोसेस करते हैं, तो आप जो अगर क्यूनी यूज़ कर रहे हैं तो क्यूने पे जो रेशियो है वो यूज़ करेंगे, अगर सिल्की का कलर यूज़ कर रहे हैं तो उस रेशियो से यूज़ करेंगे, एंड जो फ्रामेसी के कलर है उसमें जो रेशियो मेंशन होता है तो उस रेशियो से आप कलर को यूज़ करेंगे। ज़्यादातर बिगनर के साथ ऐसा इश्यू होता है, अगर वो जब हेयर डाई करते हैं या कोई सा भी केमिकल प्रोसेस करते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि सिल्की कलर कितना लें और जो डेवलपर है वो कितना यूज़ करें। जबकि आप किसी भी ब्रांड का कलर यूज़ करते हैं तो उसमें रेशियो मेंशन होता है, मगर जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि जो रेशियो है किस हिसाब से ये लिखा हुआ है। आज मैं जो आपके साथ क्लास शेयर करूंगी तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आप सिल्की कलर नहीं, आप कोई सा भी कलर अगर यूज़ करते हैं, इस मेथड से यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। और अगर आपके माइंड में कोई सा भी डाउट हो या आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। एंड जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू सो मच जो कमेंट्स करते हैं। देखें, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बताएं, एंड आपको जो बुरा लग रहा है वो भी कमेंट में ज़रूर बताया करें। सो वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं लड़कियाँ, उनके लिए काफ़ी अमेजिंग वीडियो है ये। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस ट्यूब में मेंशन हुआ हुआ है 1:1.5, यानी कि इसमें ये रेशियो मेंशन हुआ हुआ है, और ये क्या रेशियो है, कितना है, तो आपके साथ ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सिल्की हेयर कलर में दो कलर आते हैं, एक पिंक कलर आता है एंड एक येलो कलर की ट्यूब आती है, और देख सकते हैं दोनों में रेशियो अलग अलग लिखा हुआ है, यानी येलो वाली में 1:2 मेंशन हुआ हुआ है एंड जो पिंक वाली है उसमें 1:1.5 लिखा हुआ है। अब ये जो 1:2 एंड 1:1.5 ये क्या है, कितना है, तो आपके साथ मैं ये बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले येलो ट्यूब की बात कर लेते हैं, 1:2 यानी कि रेशियो, रेशियो को उर्दू में मिकदार कहते हैं, यानी कि आपको कलर ट्यूब में कितने डेवलपर की क्वांटिटी यूज़ करनी है। और ये ट्यूब जो येलो कलर की ट्यूब है 100 ml की है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने इजी वे में आपको बताया है, कलर ट्यूब देखें 100 लिखा हुआ है एंड जो डेवलपर है आपको 100+100 यानी 200 लेना है, यानी जब 1:2 लिखा हुआ हो तो आपको डेवलपर की क्वांटिटी 2 गुना लेनी है। अब और एक्सप्लेन करके मैं यहाँ बता रही हूँ किस तरह से आप कितना डेवलपर यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कलर ट्यूब है और ये डेवलपर है, यानी कि अगर आप रूट टच कर रहे हैं यानी 30 ml कलर ले रहे हैं एंड जो डेवलपर है आपको कितना लेना है, तो 30+30 यानी कि 60 लेना है। जितना आपने कलर यूज़ किया, 30 ml कलर लिया, उसमें 30+30=60 हो गया। इसी तरह से आप इसमें डबल करते जाएंगे रेशियो तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। अगर आप कलर ट्यूब 50 ml ले रहे हैं तो आपको 50+50 यानी कि डेवलपर की क्वान्टिटी 2 मिकदार में लेनी है, तो 100 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कलर ट्यूब 100 ml की ले रहे हैं तो उसमें आपको 100+100 यानी 2 मिकदार में आपको डेवलपर लेना है, तो 200 हो जाएगा। एंड इसी तरह से आप अगर 200 ml की ट्यूब ले रहे हैं तो आपको 200+200=400 डेवलपर यूज़ करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि 1:2 यानी आपको डबल रेशियो में डिवेल्पर को यूज़ करना होता है। अब यहाँ मैंने सिंपल मेथड से एक्सप्लेन कर दिया है, ये देखें 30 ml का आपको 60 ml लेना है, 50 ml का आपको 100 ml लेना है, 100 ml का आपको 200 ml लेना है एंड जो 200 है उसका आपको 400 ml लेना है। अब सिल्की कलर की पिंक ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 100 ml की है। इस पिंक ट्यूब में जो रेशियो है 1:1.5 यानी कि 1.5 आपको यूज़ करना है, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। आपने देखा येलो वाली ट्यूब में जो डेवलपर की रेशियो थी वो डबल मिकदार में थी, और जो इसमें पिंक वाली ट्यूब में है वो 1.5 मिकदार में यानी 1.5 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, अगर आप येलो ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो डबल रेशियो यूज़ करें, और अगर पिंक वाली यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 यानी कि 1.5 गुना यूज़ करेंगे।
अगर आप जल्दी में हैं और भूल जाएं कि कितना रेशियो लेना है, तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो येलो वाली ट्यूब है उसमें डबल रेशियो लेना है, और जो पिंक वाली ट्यूब है उसमें 1.5 यानी कि डेढ़ गुना ज्यादा लेना है। बस यहाँ पर मैंने कलर ट्यूब और डेवलपर को अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। जैसे अगर आप पिंक वाली ट्यूब यूज़ कर रहे हैं 30 ml की, तो 45 ml यूज़ करना है। 50 ml की यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेवलपर 65 ml यूज़ करना है। 60 ml कलर ट्यूब ले रहे हैं तो 115 ml डेवलपर यूज़ करना है। एंड 200 ml की ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो 215 ml डेवलपर यूज़ करना है। 1:2 एंड 1:1.5 किस तरह से रेशियो आप यूज कर सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड अगर फिर भी आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और समझ में आया है तो भी आप कमेंट में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। सो फ्रेंड, आप मुझे इजाजत दीजिए, मिलते नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।